हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने किचन कोमल त्रिपाठी आशा पुरी। सुबह सुबह जब आपको टिफिन के लिए, बच्चों के टिफिन के लिए लेट हो, तो आप ये ट्रिक बड़े आराम से अपना सकते हैं। ऐसे करने से हमें जो है बहुत जल्दी हमारा पराठा बनके रेडी हो जाता है। जैसे आप हमने अभी टाइटल देख रहे हैं कि एक तीर से दो निशान, तो हम कैसे बना रहे हैं ये देखिए। यहाँ पे हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे, फिर इसके ऊपर हम इसे रख देंगे और अच्छे से घुमा घुमा के इसे थोड़ा हम बड़ा कर देंगे। अब हम इसको बेलेंगे। जब हमें बहुत ज़्यादा खाना बनाना हो और हमारे पास टाइम ना हो, तो इस ट्रिक से हम बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खाना बना के रेडी कर सकते हैं। रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये देखिए, अब इसे हम सेकेंगे। देखिए, यहाँ पे हम अच्छे से बेल लेंगे इसे और फिर यहाँ पे हम पराठा सेक लेंगे। अब इसके ऊपर हमें अच्छे से ऑयल लगा लेना है, चारों तरफ फैला देना है एकदम अच्छे से। ये देखिए, फिर हम इसे पलट के दूसरी तरफ भी इसे अच्छे से ऑयल लगा के और फिर हमें सेकना है। बहुत ही कम समय में बहुत सारा पराठा बनकर रेडी हो जाता है। देखिए कितना अच्छा बन रहा है हमारा पराठा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम आपको दिखाएंगे कितने आसानी से एक पराठे से दो पराठा यहाँ पे निकल जाता है। ये देखिए, है ना कमाल की चीज। अक्सर कोई फंक्शन हो या फिर कोई त्योहार हो तो हमारा ज़्यादा टाइम किचन में ही निकल जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए सबके लिए नहीं, वहाँ ये देखिए यहाँ पे सबके लिए हमें खाना भी बनाना पड़ता है। तो हम इसे पहले अलग कर लेंगे, सारा अलग करके एक दूसरे बर्तन में हम यहाँ पे रखते जाएंगे। ये देखिए कितने आराम से निकल रहा है यहाँ पे। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से इसे निकाल रही हूँ, तो थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है। अगर आपके पास कोई चीज़ हो जिससे आप मोबाइल को रख कर बना सकते हैं तो और अच्छा है, दोनों हाथ से आप इसे खोल कर रख सकते हैं। और ये देखिए कितने कम समय में हमने कितना अच्छा पराठा बना कर रेडी कर लिया है और कितना ज़्यादा। और ऐसे ही नई नई ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से निकल रहा है ये और कितना अच्छा कुक हो जाता है। तो आप सब जो हैं, हमारा रेसिपी आपको कैसा लगा है, प्लीज़ ये ट्रिक आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके बताना। कभी छोटे यूट्यूबर को कमेंट करके देखो कितना खुश हो जाता है और कितना अच्छा आपको रिप्लाई देता है। अक्सर मैं भी बड़े यूट्यूबर को भी करके देखा है कमेंट, उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन जैसे ही हमने छोटे यूट्यूबर को सब्सक्राइब और कमेंट करती हूँ, वहाँ से बहुत प्यारा सा रिप्लाई आता है जिसे देखकर सुनकर हम एकदम खुश हो जाते हैं। अक्सर हमने भी पहले स्टार्टिंग में यही सोचा था कि नहीं, बड़े यूट्यूबर को हम फॉलो करेंगे, बड़े यूट्यूबर को कमेंट करेंगे,
तो हम ग्रो होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है और आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो सक्सेस हैं पहले से ही, तो आप आपको क्यों पूछेंगे। और जो छोटे यूट्यूबर हैं और उनको हम कमेंट करके सब्सक्राइब करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वो कितने खुश हो जाते हैं कि पूछो मत, जैसे कि हमारे साथ भी होता है, हमें भी कोई कमेंट करता है और लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, तो हमें बहुत खुशी होती है और हम रिप्लाई में बहुत प्यारा कमेंट देते हैं। आप हमारे कमेंट पे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे कि हम कितना अच्छा कमेंट वालों को कितनी अच्छी रिप्लाई देते हैं। आप देखिए कि कितना अच्छा, अक्सर हम रेसिपी छोटे यूट्यूबर जो हैं वो बहुत अच्छा बनाते हैं, पर छोटे यूट्यूबर होने के खातिर हमें कोई सब्सक्राइब और लाइक नहीं करता है। पर कहते हैं ना कि भगवान सबका होता है, एक ना एक दिन हम सक्सेस जरूर होंगे और आपकी कृपा रही तो आगे जरूर बढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो में सब्सक्राइब जरूर करें और कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूड़ी को कितने फास्ट में कैसे बना सकते हैं वो ट्रिक बताएंगे। जैसे पूड़ी बहुत छोटा होता है, बहुत बेलना पड़ता है हम लोगों को, तो कोई ऐसा ट्रिक हो जिससे, जैसे ये हम एक बार में दो पराठे रेडी कर लिए, ऐसा ही ट्रिक हम आपको बताएंगे कि एक साथ में कई पूड़ियां कैसे रेडी करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिल से धन्यवाद। यहाँ पे हमारा सारा पराठा कंप्लीट हो गया है।